चलेंगे जी हम अपने जलाल साहब की तरफ। जलाल साहब, कहाँ तक मजेदार खानों की तरकीब पहुंच गई? आपको पता है जैसे कि डालडा कुकिंग ऑयल जो हमने ऐड किया था ब्रेक से पहले, तो यहाँ पर मेरे पास आज है सबरोसो। सबरोसो आपको प्रोवाइड करा है चिकन कचौरी और चिकन पकोड़ा और चिकन समोसा। अच्छा, 100% मीट जो इसमें है चिकन। और सेकेंडली आप इसमें एक खूबसूरत चीज़ ये है कि आपने इसमें मेंशन किया है कि अगर आप फ्राइंग कर रहे हैं तो 170 सेल्सियस पे आप इसको फ्राई करेंगे, और अगर आप ओवन बेक करना चाहते हैं तो ओवन बेक करने के लिए आप इसको 100 समोसा जो है वो आपका 230 है सेल्सियस, और चिकन पकोड़ा भी 230 है, और 210 जो है आपका चिकन कचौरी है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपने इस तरह से सिंपली हम इसको फ्राइंग के लिए, अच्छा फ्लेम जो है जिस तरह से बताया गया कि 170 सेल्सियस पे आप इसको फ्राई करेंगे, और यहाँ पर आपने इस तरह से चिकन समोसा ऐड कर दिए और क्रिस्प गोल्डन ब्राउन कलर देके आप इसको निकाल लेंगे। ठीक है जी, फिर उसके बाद हम सर्व किसके साथ करेंगे ये हम आपको लास्ट में बताएंगे। इसके साथ ही हमारे पास जो दूसरी रेसिपी है वो है जी चपली कबाब। अच्छा, चपली कबाब यूजली जो बनता है वो आपका चॉप अनियन, चॉप टमाटो, चॉप ग्रीन चिली, चॉप कोरिएंडर, इनके साथ आप इसको बना रहे होते हैं। ठीक है जी, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, प्याज, टमाटर के साथ। तो आज हम थोड़ा सा इसको ट्विस्ट देंगे, चेंज करेंगे। तो चेंज करने में हमने क्या किया है, यहाँ पर काली मिर्च कुटी हुई हम इसमें ऐड करते हैं। ठीक है जी, क्यूमन कुटा हुआ, अगेन जीरा और धनिया और काली मिर्च, ये तीन स्पाइसेस ऐसे हैं अगर आप इनको पैन में टोस्ट कर लें या ओवन में रोस्ट कर लें और उसके बाद आप इनको क्रश करके यूज़ करें तो ये जो फ्लेवर्स जनरेट होते हैं रोस्टिंग के बाद और टोस्टिंग के बाद वो रॉ स्पाइसेस का नहीं होता। तो आप ट्राई करके देखिएगा। फिर इसके बाद क्रश कोरिएंडर, अच्छा कोरिएंडर और अनारदाना, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम है। रेड क्रश चिली, अच्छा लाल कुटी हुई मिर्च, आप इसमें हसब जायका ऐड करें, जितना आप स्पाइस खाना चाहते हैं उस हिसाब से। गरम मसाला 1/4, और उसके बाद नमक, इसके अंदर आप हसब जायका ऐड करते हैं। ठीक है, फिर गार्लिक और जिंजर पेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे, और फिर यहाँ पर अनारदाना पानी में हमने सोक करके रखा था। अच्छा, अनारदाना की क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, और फिर इसके बाद अंडा 1 अदद। अच्छा, अब यूजली होता है क्या है, जब हम चपली कबाब बनाते हैं तो चपली कबाब घर में हैंडल नहीं होता और टूटते हैं, तो यहाँ पर बेसन का आटा आप इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है जी, और साथ में 2 टेबलस्पून आप इसमें ब्रेड क्रम ऐड कर दें। ठीक है जी, ये आपका मिक्सचर जो है रेडी हो गया चपली कबाब का। इसके बाद आप इसको साथ साथ सबरोसों के जो हमने चिकन समोसा ऐड किए हैं इसको हम मिक्स करते रहते हैं ताकि कलर जो है वो इक्वली गोल्डन ब्राउन आए। और यहाँ पर अच्छा चॉप अनियन, चॉप टमाटो और कोरिएंडर, ये चीज़ें मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा। ठीक है जी, इसमें हम टमेटोज ऐड करेंगे बट स्लाइस टमेटो। इस तरह से आपने इसका जो है मिक्सचर बना दिया, और ये डन। अच्छा, इसमें ज़्यादा फाइन कीमा ना हो, थोड़ा सा मोटा कीमा आपने रखना है ताकि बीफ, हमेशा याद रखें बीफ जो है ना वो वेल्डन खाने वाले खाना जो होता है ना वेल्डन, वो क्यू हो जाता है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपका टेम्परेचर जो बीफ का हो वो मीडियम टू वेल कुक्ड हो, मीडियम टू वेल, मीडियम। अच्छा, बीफ के हमेशा टेम्परेचर होते हैं चाहिए, अब वो स्टेक्स में अप्लाई होते हैं, बट जब आप इस तरह के फ्राइंग में या पेन टॉस्टिंग के अंदर या ओवन बेकिंग के अंदर जब मीट को लेते हैं तो उसमें टेम्परेचर आप काउंट करते हैं। तो ये मेरा मीट रेडी हो गया रीमा, जब तक मैं इसको रेस्ट देता हूँ, समोसे फ्राई करता हूँ, तब तक आप
जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जलाल साहब, मुझे खुशबू आ रही है, मुझे लग रहा है कि आपका काम जो है काफी हद तक हो चुका। मेरा बस ये, मैंने एक्चुअली आप जब बात कर रहे थे तो मैं यहाँ पे चपली कबाब डन कर रहा था और ये कलर इसको आ गया है और साथ में चिकन पकौड़ा भी डन हो गया है। और वंस आपको पता है चपली कबाब बनाने के बाद हाथ धोना जरूरी है, तो सुपर लाइफ बॉय सुपर हैंड वॉश देता है आपको तमाम जरासीम से 100% हिफाजत सिर्फ 10 सेकेंड्स में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो मेरे ख्याल से मैं काउंट अपने हिसाब से तो नहीं ले रहा था। तो यहाँ पे चिकन पकोड़ा जो है वो भी रेडी है सबरोसों का हमारा, और इवन के हमने जो चपली कबाब बनाए थे वो भी रेडी है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसको डन कर दिया। और अच्छा, चपली कबाब बनाते वक्त आप अगर देखें तो एक यूजली एक प्रेस करना होता है चपली कबाब को, और उस पर फिंगर्स के जो है ना आपके प्रिंट एक तरह से आते हैं। तो ये अगर मेरे पैन को दिखाएं तो ये यहाँ पर ये प्रिंट जो है आपको नज़र आएंगे। तो वंस ये डन, और इसके बाद यहाँ पर इसकी बैक साइड पे इस तरह से मैंने ये टमाटोज के स्लाइसेस जो हैं वो लगा दिए हैं, ठीक है। तो इसमें हम दो पीस, एक पीस ऐसे रखते हैं और ये बाकी के जो है हम इस तरह से इसको डन करते हैं। तो ये हो गया परफेक्टली डन। और इसके बाद इसके साथ हम सर्व करेंगे यहाँ पर नोर की बेहतरीन ज़बरदस्त सी ग्रीन चटनी, जो के बिल्कुल आपको जायका दे घर की चटनी जैसा। तो यहाँ पर ये परफेक्टली डन हो गया जी, ये डन मेरा चॉप। प्रेजेंटेशन पे काम कर लेता हूँ थोड़ा सा अगर टाइम है तो। जी जी बिल्कुल, आप मुकम्मल कर लीजिए। परफेक्ट, क्योंकि तो आप इतनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और ईमानदार शख्स को हम कैसे तंग कर सकते हैं। परफेक्ट, तो ये परफेक्टली डन हो गया।